तो दोस्तों आज हम एक्सप्लोर करेंगे द प्रेसिडेंट म्यूजियम। नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हूं सुनील और मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं हूं इस वक्त प्रेसिडेंट कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के कॉम्प्लेक्स में। और ये जो आप सामने देख पा रहे हो ये MiG-21, और आइए मैं आपको आगे से भी दिखाता हूँ सामने से। तो दोस्तों ये है MiG-21, और इसका MiG-21 का फुल फॉर्म है मिकोयान गुरुविच 21, यानी MiG-21, ठीक है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा ये जो एयरक्राफ्ट था, फाइटर जेट था। और ये है INS विक्रांत, ठीक है। और ये देखिए ये भी काफ़ी बड़ा है, और ये देखिए INS विक्रांत। और जिसे वैसे तो सबको पता ही होगा INS का मतलब, जिसे नहीं पता उसका मतलब है INS का इंडियन नेवी शिप, ठीक है। तो ये INS विक्रांत ये देखिए, तो ये रखा गया यहाँ पे राष्ट्रपति भवन के कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है राष्ट्रपति भवन का। हम चलेंगे अभी म्यूज़ियम में, जो है राष्ट्रपति भवन का जो म्यूज़ियम है, ठीक है, और वहाँ चलेंगे। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो सारा डिटेल्स INS विक्रांत के बारे में। और आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एलिफेंट्स, यानी प्योर वुड, यानी प्योर लकड़े से बनाए गए हैं, ठीक है। कितना खूबसूरत ये लग रहा है। अभी कैमरा साइज से थोड़ा जस्टिस ना कर पाए, लेकिन यकीन मानिए मेरी आंखों से जो देख रहा हूँ बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए हम अंदर आ चुके हैं, ये इंडोर म्यूजियम है। और ये देखिए यहाँ पे देखिए हॉर्स है ना, कितना रियल लग रहा है। बाकी यहाँ से आप जो है वो पढ़ सकते हो, ये देखिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग ही अच्छे हुए तो बहुत अच्छा है, अच्छा लगा ये देख के। बाकी यहाँ पे बहुत कुछ है, तो यहाँ पे आइएगा जरूर। आज स्कूल के बच्चे आए हैं ये देखिए, ठीक है। तो अच्छी बात है कि जो स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनको दिखाने का। बाकी ये देखिए यहाँ पे जो है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनके जो है वो स्टैचू लगाई गई है। और यहाँ पे जो आप सामने देख पा रहे हैं हमारे जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, और ये देखिए यहाँ पे सारे जो है वो प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट के जो स्टैचू लगाए गए, और अच्छा लगा ये देख के, ठीक है। और ये देखिए है ना, तो बहुत अच्छा है ये। बाकी यहाँ पे देखिए ये ओथ टेकिंग सेरेमनी है, ठीक है। जब यानी ब्रिटिश गए थे तो जो पहले जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट हुए, राष्ट्रपति हुए, तो उनका जो है वो ओथ टेकिंग सेरेमनी का यहाँ पे जो है वो दिखाया गया है। बाकी काफ़ी अच्छा ये म्यूज़ियम है। और अंदर आने के लिए भी आपको बुकिंग करवानी पड़ती है, ऐसे आप नहीं आ सकते। तो मैं लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आने का कोई चार्ज नहीं है, खाली आपको है ना जो है वो सीट मिलनी चाहिए। बाकी यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से सब बनाया है, और आप ऐसा लगता है जैसे रियल में बैठे हो। तो बहुत मेहनत से बनाया है। और ये देखिए और ये है उसका भी यहाँ पे डिटेल दिया है। और यहाँ पे देखिए जो दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो कैसे बना, उसका यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे फोटोग्राफी और इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो ये भी है, तो बहुत सारी यहाँ पे जो है वो चीज़ें रखी हुई है, तो उसे देखने को आपको अच्छा लगेगा। वैसे तो वीडियो में इतना मज़ा नहीं आता, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे दिल्ली में जो मेन जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हो, उसकी सारी देखिए यहाँ पे जो है वो फोटोग्राफ दी गई है, जो पहले कैसी लगती थी, ठीक है। तो ये देखिए बहुत अच्छा है। तो दिल्ली में जब भी अगर आप आओगे तो यहाँ पे सारे जो वो तो आप करिएगा विज़िट, लेकिन राष्ट्रपति भवन का जो म्यूज़ियम भी ज़रूर आप यहाँ पे आके विज़िट करिएगा। और ये देखिए 3D इमेज है ये राष्ट्रपति भवन का, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा बनाया है। और काफ़ी देखिए है ना, कितनी बारीकी से देखिए काम इसमें किया गया है। तो आइएगा ज़रूर यहाँ पे, बहुत अच्छी ये प्लेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। और देखिए यहाँ पे सिल्वर थ्रोन्स है, ठीक है, ये पूरी जो पूरा जो है ना इसे सिल्वर से बनाया गया, प्योर सिल्वर से बनाया गया है। और ये देखिए ये किंग के लिए है और ये क्वीन के लिए है। तो ये देखिए है ना, और यहाँ पे पीछे आप फोटो भी आप उनके देख सकते हो। तो ये देखिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो हिस्ट्री है वो दिखाई गई है,
और आसानी से समझ सकते हो कि क्या है वतन, हमारे इंडिया की हिस्ट्री क्या है बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये देखिए, और यहाँ पे देखिए मीटिंग बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो हमारा जो इंडिया का पार्टीशन होने वाला था उससे पहले की जो मीटिंग है उसके बारे में यहाँ पे देखिए ये शो किया गया है। ठीक है, ये देखिए है ना, तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। ये देखिए बहुत अच्छे से बनाया, ये देखिए है ना कितना रियलिस्टिक देखिए इसे बनाया गया है। तो आइएगा ज़रूर, और जो मेन एंट्री गेट होता है यानी अगर आप यहाँ पे आओगे तो गेट नंबर 35 से एंट्री होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये देखिए बाकी बुकिंग तो आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हुए उनका यहाँ पे देखो दिखाया गया है। तो बहुत अच्छा है देखने के लिए, फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी हो रही है। DSLR से आप नहीं कर सकते, ठीक है, बाकी आप जो मोबाइल से आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ जो अंदर जो मेन जो अपना राष्ट्रपति भवन का जो अंदर का मेन है आप वहाँ पे जो है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। बाकी ये देखिए यहाँ पे हमारे जो मौजूदा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये कितना खूबसूरत देखिए ये बनाया गया है, देखो ये इस तरह से अंदर यानी अंदर दिखता है वैसा, ये देखिए, और ये देखिए। तो ये भी यहाँ पे देखिए हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हुए उनके जो है स्टैचूज यहाँ पे लगाए गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, और बच्चे लोग को तो बहुत सीखने मिलेगा। तो अगर आप के बच्चे हैं और तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। यहाँ पे देखिए रिपब्लिक डे की परेड का यहाँ पे जो है वो दिखाया गया है। तो ये देखिए है ना, तो सीखने के लिए तो बहुत कुछ अच्छी है। आपको हिस्ट्री जानना है और जानना भी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो देश की हमारी जो कंट्री की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो वो सब आप आसानी से यहाँ पे देखो देख के समझ सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये सारी जो है ना सब ट्रॉफीज वगैरह जो गिफ्ट है सुविनर सब रखे गए यहाँ पे। आइए और एक म्यूजियम के अंदर हम लोग चलते हैं। ये देखिए, आइए, ये देखिए, ठीक है, ये सामने है ना, वहाँ पे भी हम लोग चलते हैं। आइए, ये सामने सामने दो है, ठीक है, और ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना काफ़ी जो है वो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, आप सामने आप देख ही सकते हो। ठीक है, देखिए ये घोड़ा गाड़ी, ठीक है, अब इसे आप तो ये रॉयल के ज़्यादा यूज़ होती थी इसीलिए यहाँ पे देखिए है ना, ये आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ, देखिए कितना डिटेल से काम किया देखो है ना, ऐसा लग रहा है जैसे सच्चे में खड़े। ठीक है, बाकी बहुत अच्छे से ये बनाया गया है। और एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप ऐसी जगह पर आते हैं तो किसी चीज़ को छुएगा नहीं, टच ना करिए, आप दूर से ही देखिए, फोटोग्राफी करिए वीडियोग्राफी करिए, टच करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और वहाँ पे लिखा भी होता है, यहाँ पे लिखा भी होता है कि भाई प्लीज़ डोंट टच, तो उसका ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, ठीक है, बाकी एन्जॉय करिए, ऐसी जो प्लेसेस है वो एन्जॉय करने के लिए होती है, कुछ सीखने के लिए होती है। ठीक है, और ये देखिए कितना खूबसूरत देखिए ये, बाकी ये देखिए कार है। ठीक है, पहले जो है वो जो फॉर्मर जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे वो ये कार यूज़ करते थे, और इससे पहले भी कोई अलग कार होगी। बाकी ये कार देखिए आप यहाँ से आप देख सकते हो, देखिए कितनी खूबसूरत अभी भी ये लग रही है, अभी यूज़ में नहीं है और यहाँ पे म्यूज़ियम में इसे रखा गया है, और मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए, तो अभी मैंने ऐसा क्यों कहा कि कुछ होएगा नहीं, क्योंकि एक लड़का अभी है ना इस कार को उस तरफ से छू के जो है ना उसको जो डोर है उसको खोलने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा मत करिए। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि ये खिलौना नहीं है, बहुत कीमती सारी ये जो है वो वस्तुएं है, तो इसका हमेशा ध्यान रखिए। और ये देखिए, ठीक है, तो मैं पूरा आपको मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, कार है, मुझे कार अच्छी लगती है, विंटेज कार मुझे बहुत अच्छी लगती है, अभी एक कार तो विंटेज में भी आ गई, तो ये देखिए, बाकी ये देखिए है ना, ये अंदर से मैं आपको शो करता हूँ, देखिए
ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा ये म्यूज़ियम है। और यहाँ पे देखिए, तो ये सारा जो है ना, ये यूज़ किया हुआ सब, यानी जो ब्रिटिश यूज़ करते थे वही सब यहाँ पे इसे जो है म्यूज़ियम में रखा गया है, ठीक है, डिस्प्ले पे देखने के लिए सबको। तो आइए जरूर यहाँ पे, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है ये, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, ठीक है। तो ये मैं तो कहता हूँ कि दो वीडियो में भी ये नहीं आएगा, दो व्लॉग के अंदर भी ये शायद से जो है पूरा कवर हो पाए। तो ये पूरा जो देखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको चार्ज देना नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप यहाँ पे आइए। और ये देखिए, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन जो जब यानी बनने वाला था, उससे पहले का जो मॉडल जो है वो बनाया गया था। और ये जो साहब है सब, इन्होंने ही जो है वो ये राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया था, काम किया था इसमें, इसे बनाने में जो है उनकी मेहनत लगी थी। और ये देखिए, तो यहाँ पे भी देखिए ये है, ठीक है। तो ये देखिए, और भी मैं बना बहुत कुछ है यहाँ पे, तो 3 फ्लोर्स तो इसी के है, ठीक है। और बाहर जो दूसरा जो पहले हम लोग गए थे वो उस तरफ था, उसके बाद फिर हम लोग इस तरफ आए, ठीक है। तो इसके 3 फ्लोर्स तो इसी के अंदर है। और ये देखिए, और ये देखिए, ठीक है। और तो मैं कह रहा था, ये देखिए आप पढ़ लीजिए, और ये देखिए, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि नीचे का जो ग्राउंड है ना वो तो बंद है। और ये देखिए, यहाँ पे अपने महात्मा गांधी बापूजी का, ठीक है, और ये दिखाया गया है बहुत अच्छी तरीके से, ये दर्शाया गया, मुझे लगता है ये क्विट इंडिया मूवमेंट का दिखाया है, ठीक है। ये देखिए, और अच्छा यहाँ पे ये शो किया गया है। और हाँ, ये देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट का, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है, जो विदेशी कपड़े जो बापू ने कहा था कि उसका क्या करो, वो दिखाया गया यहाँ पे। ये जो है ना, ये दिखाया गया जलियांवाला बाग, अमृतसर में जो जलियांवाला बाग में हुआ था, ये उसका यहाँ पे जो है वो दिखाया गया है, ठीक है। और ये देखिए, है ना, तो कितना रियलिस्टिक देखिए इसे बनाया गया है। और ये देखिए, ठीक है, और देखिए, और ये भी एक आंदोलन है। और देखिए यहाँ पे भी काफ़ी, यानी बहुत कुछ यहाँ पे बनाया गया है, और आपको देखने को अच्छा लगेगा और पसंद आएगा आपको। मैं भी आपको कहता हूँ कि जगह आपको बहुत पसंद आएगी, यहाँ पे आइएगा ज़रूर। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए ये हमारा जो तिरंगा फहराते हुए, और ये देखिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा है ये म्यूज़ियम है, और काफ़ी अच्छा बनाया गया है इसे सब कुछ, और मेहनत तो लगी है सबकी। और इतना करके भी है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आप आ सकते हो, और कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये डांडी मार्च शायद मुझे लग रहा है। और ये देखें, तो आइएगा ज़रूर यहाँ पे। और जैसे मैंने कहा कि ये जो है ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, और आपको जो है ऑनलाइन से बुकिंग करवानी होती है, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप यहाँ पे आइए। और ये देखिए, ठीक है, तो सीखने काफ़ी कुछ मिलेगा, देखने काफ़ी कुछ मिलेगा। और ये पूरा जो अभी सेकंड टाइम मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा जो म्यूज़ियम है ना, ये राष्ट्रपति भवन का जो पूरा जो म्यूज़ियम है ना, ये इतना बड़ा है कि 2 व्लॉग में भी नहीं आएगा पूरा। तो ये देखिए, और ये 3D यहाँ पे दिखाया गया है, मैं आपको थोड़ा जो है यहाँ पे ऐसा करके दिखा देता हूँ, ठीक है, साइड से भी और थोड़ा बैक से भी। ये देखिए, ठीक है, एकदम 3D मॉडल दिखाया गया है यहाँ पे, ये देखिए। और काफ़ी बहुत अच्छे से बनाया है, क्योंकि देखने लायक है, और मज़ा भी आता है, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, आपको भी आएगा। बाकी यहाँ पे देखिए, सारे जो है ना ये सुविनर्स, ये गिफ्ट है ना, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिले हैं, और हमारे जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको भी काफ़ी गिफ्ट मिले हैं। ये देखिए, तो अलग अलग जो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए जो हमारे प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उनके सारे जो वो या चीज़ें रखी हुई है, ये है डॉक्टर कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सारी चीज़ें, ठीक है, जो यूज़ करते थे, जैसे बुक्स है, बाद में ये उनका जो कोट है, तो ये सारे जो है ना यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। तो आप देखिए, और सिंपल मैन थे, बहुत सिंपल मैन थे, ये देखिए,
और ये देखिए ये जो सारा जो है ना, यानी ये तो मैं कम दिखा रहा हूँ, और भी बहुत कुछ है। ये देखिए है ना, बहुत बहुत कुछ है यहाँ पे देखने लायक। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत है, देखिए ये देखिए ये देखिए, ठीक है ये देखिए, और ये देखिए। तो ये सभी जो है वो सारी दुनिया से है ना हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिला है, ये देखिए, ठीक है। तो बहुत कुछ है, ज़रूर आइएगा यहाँ पे, और मेरे और भी व्लॉग्स आप ज़रूर देखिएगा। मैंने जो है वो मुगल गार्डन जो अभी हुआ है, अमृत उद्यान, उसका भी व्लॉग किया है, वो भी आई बटन से देख लेना। और ये देखिए, ठीक है ये देखिए कितना खूबसूरत है, देखिए। अब मैं क्या कहूँ, बोलो, अब मेरे पास कोई शब्द नहीं। ये देखिए कितना खूबसूरत है, देखिए है ना। और ये देखिए यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये देखिए, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है, और ये देखिए ये देखिए ये देखिए। तो अभी बहुत कुछ है देखने, आप जितना देखोगे उतना कम है यहाँ पे, ठीक है। और जब यहाँ पे आते हो तो आप समझे तीन घंटा तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से घूम सकते हो, टाइम निकाल के आइए, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतनी जल्दी जाना है, इतनी जल्दी करना है, कुछ नहीं, आराम से घूमिएगा, ठीक है। ये देखिए ये देखिए, बाकी खाली जो है वो DSLR से आप यूज़ नहीं करना DSLR, ठीक है। बाकी वीडियोग्राफी आप कर सकते हो मोबाइल से, फोटोग्राफी कर सकते हो मोबाइल से, ठीक है। बाकी जो है DSLR यूज़ नहीं करना। और ये देखिए है ना, तो ये जैसे मैंने कहा ना, देखिए ये तीन माला तो यही है, ठीक है। और ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे भी देखो सारा जो है ना सब रखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से सब इसे है ना यहाँ पे संभाल के रखा गया है, ताकि जो है आप देख सको। और ये देखिए, तो ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसे बनाया गया है, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, सच्ची मैं कह रहा हूँ। मैं 2-3 बार मैं ये रिपीट कर चुका हूँ कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे ये प्लेस है। यहाँ पे देखिए सारे जो प्रेसिडेंट है ना, जो हुए हमारे और फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हुए, उनके सारे जो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। कपड़े से लेके उनका जो बुक्स वगैरह, शूज़ लेके यहाँ पे, ठीक है, और पेन वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले पे रखा गया है। तो ये देखिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और मेरे और भी व्लॉग्स हैं वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और भी सारे व्लॉग्स आएंगे आगे, और दिल्ली के तो बहुत सारे आएंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए हमारे जो प्रेसिडेंट थे उनका यहाँ पे जो रखा है। तो अभी भी मैं आपको ये बता दूँ, और टाइमिंग मैं आपको बता दूँ कि 9:30 से जो है वो शुरुआत होती है, तो कुछ 5:30 कुछ लास्ट टाइम होता है, उससे पहले जो है आपको बाहर आ जाना पड़ता है। वो लोग आपको कह देते हैं कि 5:30 है, तो आप अभी आप एग्ज़िट करिए। बाकी ये देखिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और ये देखिए, ठीक है, हमारे सबके प्यारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, ये देखिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।